अभिषेक भाई जो हमारे साथ में पार्षद हैं आपके वो मौजूद हैं, इनका आप परिचय कराइएगा और भी कुछ अतिथिगण हैं आपके साथ में उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं कुछ परिचय कराने से पहले कुछ बात बताना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ हमारे दर्शक लाइव भी देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गायत्री परिवार जी और विप्र फाउंडेशन, एप्स फाउंडेशन, मावनी केयर ट्रस्ट और साथ में सुखमणि सेवा ट्रस्ट, इन सब ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी। सबसे पहले मुहिम छेड़ी हमारी गायत्री परिवार ने, उसके साथ विप्र फाउंडेशन मिलता चला गया और फिर एप्स फाउंडेशन, मावनी केयर ट्रस्ट, सुखमणि सेवा ट्रस्ट सब मिलते गए। 3 साल की कड़ी मेहनत है, उस कड़ी मेहनत को करने के बाद हम लोग एक पार्क जिसको हम नवग्रह वाटिका के नाम से जानते हैं, हम उसको डेवलप किया हमने और एक संदेश ये दिया। 2020 में जब कोविड आया था तो कोविड के बाद हमें पता चला कि ऑक्सीजन की कितनी भारी कमी है, उसके बाद इसको डेवलप किया और ये बताया यहाँ पे अनेक प्रकार के हमने जड़ी बूटियों के पौधे लगाए हैं और ये बताने का मैं कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 साल से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि हम छोटे छोटे पौधे तो लगा लेते हैं घरों में, वो वृक्ष नहीं बनते और जब तक वृक्ष नहीं बनेंगे तब तक बड़ी और सौ साल तक, हजारों सालों तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारे जो दूषित वातावरण है ये सही नहीं होगा। अब मैं चाहूँगा कि आगे मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारे गणमान्य व्यक्ति, हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद भाई संदीप कपूर जी, हमारे क्षेत्र के दूसरे निगम पार्षद भाई राजू रहेजा जी, हमारी निगम पार्षदा, महिला निगम पार्षदा हमारी प्रिया कंबोज जी हमारे बीच में, और मैं अपनी बात को विराम देते हुए इनको दूंगा आगे माइक। लेकिन लास्ट में आपसे एक बात कह रहा हूं कि आने वाले कुछ समय बाद हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसका नाम है शंखनाद, और शंखनाद का जो सूत्र है वो एप्स फाउंडेशन और मावनी केयर ट्रस्ट से शुरू हो रहा है और इसके जो परिवार के लोग हैं वो सब आपके सामने हैं। बहन, हमारी बहन इंदु बालाजी, हमारे भाई गोपाल कृष्ण खंडेलवाल जी और हमारे बड़े भाई रविंद्रनाथ अग्रवाल जी और हमारे मेरे भाई योगेश गौड़ जी और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग हमें आशीर्वाद दें, हमें बल दें ताकि हम ऐसे ही इससे बड़े बड़े कार्यक्रम देश में करें
और जागरूकता अधिक से अधिक बनाए। और राजू रहेजा जी जो अध्यक्ष हैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट के, जिन्होंने एक कार्यक्रम छेड़ा जिस कार्यक्रम का में वो क्या करते हैं, वो ऐसी अस्थियों को जिनका कोई भी नहीं है उनको लेते हैं और प्रवाहित करते हैं पूरे विधि विधान से। अब मैं चाहूँगा कि हमारे निगम पार्षद संदीप कपूर जी अपनी बात समाज तक और जनधन तक पहुँचाएँ। जी संदीप जी, स्वागत है आपका भी पैनल चैनल पे। देखिए ये जो पार्क है ये नवग्रह वाटिका और ये पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम पर इस वाटिका को रखा गया है, और इसमें जो गायत्री परिवार, विप्र फाउंडेशन और भी हमारे जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो संघ की चलती है, तो ये सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस पार्क को डेवलप किया। आज से 3 साल पहले ये बिल्कुल उजाड़ पार्क था और यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन इन सभी संस्थाओं ने मिलकर इस पार्क को डेवलप करने का बीड़ा उठाया। मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरे वार्ड में ऐसा एक पार्क है जिसमें एक्यूप्रेशर टाइल्स हैं, जिसमें सांसद जी द्वारा दिया गया जिम है, और जिसमें ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, आम पार्कों में आप देखते नहीं हैं, औषधीय प्लांट है वो यहाँ लगे हैं। तो मैं इन सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस संस्था के काम से प्रेरणा लेके और भी जो लोग हैं जिनके घर के आसपास छोटे छोटे पार्क हैं, मोहल्ले के पार्क हैं छोटे पार्क, तो उन पार्कों को वो डेवलप करें। और देखिए कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं थोड़ा धन का दान तो आपको करना पड़े, लेकिन ये जो धन लग रहा है ये बड़ा सकार जा रहा है, क्योंकि इसमें पर्यावरण सुधार हो रहा है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी साफ हवा में सांस ले पाए उसके लिए है। अच्छा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आज यहाँ पे वृक्ष कावड़ यात्रा, एक कहना सभी के लिए एक नया नाम भी है, क्योंकि कावड़ यात्रा तो पूरे सावन से चली रही है और सालों से सदियों से चलती आ रही है। एक वृक्ष कावड़ यात्रा आपके वार्ड से स्टार्ट हुई है यहाँ से, इन लोगों को आप किन शब्दों में इनका प्रोत्साहन करेंगे, किन शब्दों में इनकी प्रशंसा करना चाहेंगे आज आप? देखिए ये बहुत ही प्रशंसनीय और बिल्कुल यूनिक काम है, और कावड़ लेकर जिसपे वृक्ष लगे हैं पूरे क्षेत्र से निकलना, तो जनता का ध्यान आकर्षित होता है और वो देखते हैं कि वृक्ष को लेकर एक अपने बच्चे की तरह, अपने बुजुर्ग की तरह लेकर चल रहे, और उस वृक्ष को किसी ना किसी ऐसे पार्क में या ऐसी जगह पे जहाँ वृक्ष नहीं है लगा के और उसकी देखभाल करना, ये सारा उसी का पार्ट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण ठीक होगा, तो मैं इस वृक्ष कावड़ यात्रा के लिए भी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। राजू साईं जी, आप क्या मैसेज देंगे, ये जो नवग्रह वाटिका के नाम से मशहूर हो रहा है ये पार्क नवग्रह वाटिका, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, हजारों लाखों पार्क हैं, बट ये पार्क एक अपना स्थान अलग ही बनाता जा रहा है, इसके बारे में आप वार्ड वासियों को, देशवासियों को और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पेड़ का महत्व क्या है? ये नवग्रह वाटिका में हम आए हैं आज, देखा है बहुत अच्छा, एक्वा प्रेशर के लिए नीचे जो सड़क ये बना रखी है बहुत अच्छी बनी हुई है। रहा सवाल ये जो आज गायत्री परिवार ने जो वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली है, बहुत ही एक सराहनीय काम है, दिल्ली में ये पहली ऐसी यात्रा है वृक्ष कावड़ यात्रा जो आज एक देखने में बहुत ही सब लोगों को अच्छा लगा, और ये मैसेज पूरे दिल्ली में पूरे देश में जाना चाहिए कि वृक्ष यात्रा कावड़ यात्रा तो हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए लेके आते हैं, और ये भी एक जो पेड़ लगेंगे और ये भी उसमें भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा हो सकती है और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष से ही कागज़ बनता है और कागज़ से भी सारे पढ़ लिख के विद्वान बनते हैं, और जो कागज़ से ही पैसे बनते हैं, नोट बनते हैं, नोट से ही देश चलता है। इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पैसे और क्या ना लकड़ियों का करेंगे क्या, सबसे पहले तो सांस लेना ज़रूरी है। राजू भाई बहुत अच्छा कार्य है, ऑक्सीजन जो कम हो गए पेड़ लगने उससे ऑक्सीजन भी कम होगी है, पहले बारिश अच्छी आती थी, बारिश भी कम होने लगी है, जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी सबको, ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलेगा, और पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा कार्य है, सबको अपने आस पास पार्कों में पेड़ लगाना चाहिए, और जो कावड़ आज यात्रा निकली पेड़ की बहुत ही एक अच्छा मैसेज है, पूरे देश में मैसेज आना चाहिए और जन जन को ऐसी यात्रा निकालनी चाहिए। जय श्री राम। अच्छा राजू भाई, जैसे कि हमने देखा सुखमनी सेवा ट्रस्ट भी यहाँ मौजूद है, उसके जो कार्यकर्ता या साथी यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? सुखमनी सेवा ट्रस्ट जो कि लावारिस अस्थि हो गई या किसी का क्या नाम अस्थि विसर्जन हो गया, किसी का पूरा दाह संस्कार हो गया, या किसी भी तरह का कार्य हो सोशल वर्क में,
ये एनजीओ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो क्या मैसेज देंगे सुखमनी सेवा ट्रस्ट के? हाँ, मैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट के मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य देखे हैं, हमारे बड़े भैया राजू रेजा जी, रोशनी रेजा जी, और बहुत इनकी जो टीम बहुत सक्रिय है। पीछे मैंने देखा इनको जो सीमा पुरी में शमशान घाट है वहाँ पर कम से कम भी 4,500 अस्थियों को इन्होंने ले जाके गढ़गंगा में विसर्जन किया। उसके बाद ही हरिद्वार में ले गए और भी शमशान घाटों में, जो कोरोना काल में लोग अपनी अपने मिलने वालों की जानकारों की अस्थियों को हाथ तक नहीं लगा रहे थे, उन अस्थियों को राजू रेजा जी, रोशनी जो इनकी मिसिज है, जो इस एन जी ओ चलाती है, मैं एक बहुत ही सराहनीय काम ये कर रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को, अपने भाई बंधुओं को वहाँ पे शमशान घाट में अस्थि को छोड़ गए हैं, वो राजू रेहजा जी सुखमनी सेवा ट्रस्ट से इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं इनको कई बार देखता हूँ, जाते हैं, इनकी वीडियो भी देखता हूँ, वृद्धाश्रम जाते हैं, वहाँ गरीबों को जो वहाँ बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उनको नहला रहे होते हैं, उनको खाना खिला रहे होते हैं, ऐसे इनको देखा है। ब्लाइंड हॉस्पिटल वहाँ जाते हैं, ब्लाइंडों में जाते हैं, उनकी अच्छी तरह जाके देखभाल करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। ईश्वर से मैं यही काम करता हूँ। सुखमनी सेवा ट्रस्ट के जो फाउंडर चेयरमैन है हमारे बड़े भाई राजू रेजा जी, उनकी जो मिसिज है रोशनी रेजा जी, अपना घर परिवार छोड़ के सेवा कर रही हैं, भगवान उनको अपना आशीर्वाद बनाए, ऐसे ही देश में जनता में और अच्छे लोग इनके साथ और मिले और ऐसे सेवा करते रहें। जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट के, जिनकी अभी बात कर रहे थे, उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ में राजू रेजा जी, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहना है। राजू भाई स्वागत है आपका भी। नमस्कार नदीम भाई, आपके पी न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट चलाता हूँ, जो काम मेरे से ईश्वर कराता रहता है मैं करता रहता हूँ, और मेरा सारा सहयोग देते हैं मेरी टीम, यानी कि मेरी बैकबोन, और उसमें साथ में मेरे खंडेलवाल जी हैं, इंदू बाला जी हैं, योगेश भाई हैं, अजू सचदेवा जी हैं, अभिषेक कौशिक जी हैं, ये सब मेरा साथ देते हैं, और इसलिए मैं सारे कार्य आराम से कर लेता हूँ, और हमारे खंडेलवाल जी हैं हमें को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी खंडेलवाल जी, आप क्या कहेंगे जो आज ये रिच कावड़ यात्रा निकली है? पहले इसी के बारे में बात करेंगे, सुखमनी सेवा ट्रस्ट के बारे में भी जानेंगे, पहले हम रिच कावड़ यात्रा के बारे में जानेंगे, आपसे क्या कहना चाहेंगे? रिच कावड़ यात्रा के बारे में तो पहले मैं अपने आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं धन्य हूँ कि मुझे भारत भूमि पे जन्म लेने का मौका मिला जी। और सबसे बड़ी बात यह है, जननी या जन्मभूमि, ये दोनों माताएं होती हैं, जन्म देने वाली माँ ने जन्म दिया, अगर वो इंसानी माँ थी तभी इंसानी बाप का अंश मिला और मैं इंसानी रूप में जन्म लिया जी। और भारत भूमि पे हम कहते हैं कि हमने क्या दिया ना, हम ये हमारे को अंकुर दे रही है, जल दे रही है, वायु दे रही है, फल फूल दे रही है, वातावरण शुद्ध दे रही है, इसको पर्यावरण को दूषित नहीं होने दे, तो पर्यावरण के हिसाब से मेरे को लगता है कि हम माँ का कर्जा तो जीवन में कभी नहीं उतार सकते, पर हमें इतना जरूर करना चाहिए जब मैं दुनिया से जाऊँ तो जितनी लकड़ी मेरे साथ काम आएंगी उतनी लकड़ी के लिए मुझे कम से कम अपने वृक्षों का रोपण करना चाहिए। और अपने सनातन धर्म के भाइयों से, देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अच्छे विचार, शुद्ध विचार, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानूंगा पहले। मैं लक्ष्मीकांत मिश्रा, विश्वास नगर मंडल में महामंत्री। आज हम सब मिलके गायत्री परिवार के साथ एक मुहिम चला रहे हैं, जो आगे आने वाले परिवारों में हमारे बच्चों को ये पता लगे हमारी प्राकृतिक क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हमारे बच्चे इस चीज़ों को भूल गए हैं कि पेड़ लगाना क्या होता है, उन्हें तो सिर्फ खाने खाने से मतलब है, तो इसलिए हम लोग ये दिखा रहे हैं, नहीं तो पेड़ लगाएंगे तभी हम खाएंगे, इसी चीज़ को लेके हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद सर। साथियों आप देख रहे हैं किस हर्षोल्लास के साथ में आज ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, वृक्ष कावड़ यात्रा। राजू साई जी है मेरे साथ में और अन्य पार्षद भी है हमारे साथ में, बात करेंगे राजू साई जी से। प्रिया कंबोज जी हैं, इंदुबाला जी हैं, खंडेलवाल सर हैं, और अभिषेक जी भी हैं हमारे साथ, कुमार जी भी हैं, और बाबू जी सभी हैं हमारे साथ में, बात करेंगे हम। सज्जन जी से बात करूँगा पहले मैं। सर ये वृक्ष कावड़ यात्रा जो निकाली है इसकी स्थापना कब से करी है आपने और ये आज ही स्टार्ट किया है, पहले से स्टार्ट है? दिल्ली में ये यात्रा पहली बार निकल रही है,
शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अन्य स्टेटों पे निकलती आ रही है, उसी की तर्ज में पहली बार दिल्ली में श्रावण मास चल रहा है, पवित्र मास है जिसमें शिव की महिमा बताई गई है। जैसे समुद्र मंथन में शिव जी ने हलाहल पिया था, उसी तरीके से आज के इस समय में पेड़ साक्षात शिव का रूप है। पेड़ जब तक हम बचाएंगे नहीं, प्रकृति को जब तक बचाएंगे नहीं, आज हमारा जहर जितना प्रकृति का जहर है, जितने कल कारखानों का जहर है, वो पेड़ साक्षात शिव है। इसलिए श्रावण मास में हमारे वैदिक काल में भी, वेदों में भी जो है ना, श्रावण मास में वृक्षों का महत्व बताया गया है। इसलिए हमने जो है जन जागरण यात्रा, पर्यावरण जन जागरण यात्रा, ये पूर्वी दिल्ली गायत्री परिवार विप्र फाउंडेशन की तरफ से और आपका एप्स के सहयोग से ये पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है जन जन में हरियाली की जागरूकता। जी धन्यवाद जी भाजी, आप इधर आइए और आप क्या मैसेज देंगे इस ब्रिज कावड़ यात्रा के? इस समय वातावरण में प्रतिशोध बहुत बढ़ गया, वंचित कर दिए, काट दिए गए उनको वापस, उसकी कमी होने की वजह से आज जितने भी पर्यावरण की वजह से ही सारा विश्व के अंदर खलबली मची हुई है। ये यात्रा इसलिए निकाली गई है कि समय के अभाव को देखते हुए समाज और राष्ट्र को एक विध्वंस विचार देने के लिए, एक विचार देने के लिए हमने ये कार्यक्रम को किया है कि सारे विचार इस रूप में जाए कि सारे पेड़ पौधे की व्यवस्था के रूप में सब जगह लगाए और हमारी इस व्यवस्था की वजह से सारी जगह ये जो चल रहा है वो रोका जाए, ये एक संदेश दिया जा रहा है पूरे लोटूंगा बाबा में। आप साथियों कुछ और शिव भक्त हैं जो कि इस यात्रा में शामिल है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय माटोलिया है और ये श्रावण मास में वृक्ष गंगा कावड़ यात्रा जो है असली शंकर भगवान की पूजा यही है। शंकर भगवान ने हलाहल पिया था और इस समय शंकर के रूप में हमारे वृक्ष है, तो वृक्षों की पूजा, वृक्षों की देखभाल, पर्यावरण की, यही सबसे बड़ी शिव भगवान की पूजा है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, और धर्मतंत्र से लोक शिक्षण। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सबको जन जागृत करके पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करें। जी धन्यवाद। इंदू वाला जी आप क्या मैसेज देंगे आज इस ब्रिज कावड़ यात्रा के उपलक्ष्य में? स्वस्थ जीवन का एक ही मंत्र है, हरियाली हो हर तरफ। जी धन्यवाद जी। जी मैम आपका नाम? गांधीनगर प्रिया कामपुर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आपके पार्षद के जो है, आपके जो वार्ड वासी है, उन्होंने इतना बड़ा जिम्मा उठाया है ब्रिज कावड़ यात्रा, वृक्ष के ऊपर ये कावड़ यात्रा लेके आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वृक्ष ही तो जीवन है, वृक्ष ही हमें जिंदा रखने की, वो जो भी कुछ मिलता है हमें जीवित रहने के लिए वो वृक्षों से तो मिलता है। और सावन का महीना हो और बोले की कावड़ हो, इससे ज्यादा सुखदाई और क्या हो सकता है? नहीं हमने देखा है यात्राएं बहुत सारी हो रही है, पिछले डेढ़ महीने से सावन मास चला है, जब से यात्राएं चल रही है, बट ये एक बिल्कुल हटके अलग चीज है। इसकी शुरुआत आपके वार्ड से हुई है, इन्हें सब भक्तों को क्या शुभकामनाएं, किन शब्दों में अपनी ब्लेसिंग देंगे आप आज? शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाई ऐसी कांवड़ यात्रा निकालने के लिए, वृक्ष ही हमारा जीवन है और मोदी जी ने भी कहा है पर्यावरण बचाएंगे तो हम जीवित रहेंगे, तो पर्यावरणों को बचाने के लिए ये भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा है। जी हमारे साथ में राजू साई जी है जो कि पार्षद है हमारे। राजू भाई आप क्या ब्लेसिंग देंगे आज जो ये शुरुआत की है वृक्ष कांवड़ यात्रा की, क्या मैसेज देंगे आप? ये एक देश में बहुत ही अच्छा मैसेज है, जो जो वृक्ष जो यात्रा निकाली है, वृक्ष से ही हमारे को ऑक्सीजन मिलता है, इसी से हमें जीवन मिलता है, और वृक्ष से ही ये जो कागज बनता है और कागज से ही हमारे नोट बनते हैं और नोट से ही देश चलता है। ये बहुत अच्छी पहल है जो ये वृक्ष और एक पेड़ देश के नाम जो यात्रा चल रही है, बहुत एक सराहनीय कार्य है जो जन जन तक हम ये इनके माध्यम से पहुँचाएंगे और पूरे देश में ये अभियान चलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख रहे हैं मेरे साथ में कुछ और कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी हैं और क्या ना हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आज फिर से इनसे मुलाकात हुई है। योगेश भाई हमारे और इंदू बालाजी हैं सर हैं हमारे साथ में, जैन साहब हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जिनसे कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं बात करूँगा सबसे पहले इंदू बालाजी से ही, क्योंकि आज की जो वृक्ष कावड़ यात्रा है उसमें ये भी शामिल रही और बहुत सारे समाज सेवा के ऐसे बड़े बड़े कार्यों में ये सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, आज भी इनकी क्या भूमिका है ये खुद बताएंगे। इंदू जी आपका स्वागत है पहले तो। धन्यवाद। जैसे जल ही जीवन है ना, वैसे हरियाली भी जीवन है, ऐसे औषधीय वृक्ष
हमारे जीवन में इतने काम आते हैं। हम इंग्लिश दवाइयाँ बहुत खाते हैं लेकिन उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन औषधीय वृक्ष जो हमारे लिए कार्य करते हैं जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इन पर इतनी रिसर्च की है कि ये आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तो इसको जिंदा रखने के लिए हमें ऐसी अपनी कार्यशैली बनानी चाहिए कि ऐसे औषधीय वृक्ष हम जगह जगह लगाएं, जैसे ये वाटिका बनाई गई है जहाँ पे सारे ही नवग्रह के वृक्ष हैं, तो ऐसा ही हमें दिल्ली के हर पार्क में ऐसे ही नवग्रह स्थापित करने चाहिए वृक्षों के रूप में, जिससे कि हम लोग इनका उपयोग कर सके और हमारा दैनिक दिनचर्या में शामिल हो सके। जी धन्यवाद इंदु जी, आपने ये बहुत अच्छी नॉलेज दी। कमल शर्मा जी हैं हमारे साथ में। कमल भाई, ये जो नवग्रह हम यहाँ देख रहे हैं खाली बैनर पे ही नहीं है, ये यहाँ स्थापित है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नवग्रह के बारे में भी दीजिए आप, और जो ये वृक्ष लगाए गए हैं और जो आज कावड़ यात्रा की है, वृक्ष कावड़ यात्रा, उसके बारे में क्या मैसेज देंगे आप? सर, इस वाटिका के अंदर जो पौधे लगे हैं सब नवग्रह अलग अलग ग्रह गए, जैसे सूर्य का है, अकड़ है, चंद्र का पलाश है, मंगल का खैर है, बुध का अंपर है, गुरु का पीपल है, जितने अपने ग्रह हैं उनके अलग अलग पौधे हैं, वो सारे अलग अलग पौधे लगे हुए हैं और हर पौधे का एक अलग महत्व है। महर्षि चरक ने जब दवाइयों का आविष्कार किया था, औषधियों का, तब इन्हीं पौधों से ही निकाल के किया था। आज जितनी इंग्लिश दवाई ले रहे हैं, एक आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई के अंदर अपने को इन पौधों से ही वो दवाइयाँ मिलती हैं। जितनी जड़ी बूटियाँ हैं हमारी इस पार्क के अंदर, हमने जड़ी बूटियाँ भी बहुत लगाई है, आप अलग अलग इसमें देखेंगे तो सब जगह अलग अलग जड़ी बूटी मिलेगी। इसके अंदर ऐसा कोई पौधा नहीं है जो कोई यूज नहीं आए, सारे यूज लेवल पौधे हैं, हर जीवन के अंदर वो यूज आने वाले पौधे हैं। जी धन्यवाद। तो योगेश भाई, जैसे कि हमने देखा कावड़ यात्रा भी बहुत अच्छे से निकली यहाँ पे और सभी शिव भक्त झूम रहे थे और साथ में हमारी माता बहनें भी आपने देखा बड़ी संख्या में थी, और आज इस नवग्रह वाटिका में पहुँचे हम लास्ट में, क्या मैसेज देंगे इस नवग्रह वाटिका के बारे में आप? देखिए, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग इस बात को तो कहते हैं कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जरूर लगाने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वृक्ष लगाने कौन से चाहिए, कौन से तरीके के वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो हमें बेनिफिट देते हैं जैसे ऑक्सीजन, जैसे नवग्रह हैं ये, ऐसे वृक्ष अगर हम लगाएंगे तो हमारे पृथ्वी का कुछ तो भला होगा। हम कुछ लोग क्या करते हैं, वृक्ष के नाम पे ना जैसे जंगली पौधे होते हैं ना वो लगा देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। हमें वो पौधे लगाने चाहिए जो हमें ऑक्सीजन दे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, इस टाइप के, तुलसी का पेड़ हो गया, इस टाइप के पेड़ हमारे लगाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा है। जंगली पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी मैसेज है, ये है कि जो भी पेड़ लगाए वो इनमें से ही नवग्रह पेड़ों में से चुन के ही एक एक पेड़ लगाए। जी धन्यवाद। अभिषेक जी हैं मेरे साथ में और सर है हमारे साथ में, इनके बारे में जानेंगे पहले, अभिषेक जी के पास बाद में लौटूंगा मैं। सर स्वागत है आपका भी। मेरा नाम प्रभात गोस्वामी है जी सर, और मेरी 58 साल की एज है और मेरा जन्म यहीं का है। ओके। और मैंने इस पार्क में, मुझे और मेरी पत्नी को पिछले वर्ष ये सौभाग्य मिला था कि एक पौधा हमने भी लगाया था यहाँ पर, और हमने उससे पहले इस पार्क की वो हालत देखी है कि यहाँ पर जुआरी, शराबी, नशेड़ी, समैकिया वो लगे रहते थे, यहाँ पर बैठे रहते थे, इस पार्क में कोई एंट्री नहीं करता था। लेकिन जब से ये गायत्री परिवार वालों ने इस पार्क को सजाया और यहाँ का जो SHO थे उन्होंने स्पेशली ये बात कही थी कि अब मैं डेली इस पार्क में आया करूँगा, और देखो इतना अच्छा होता है जब पौधा मेरा और मेरी वाइफ के हाथ से एक पौधा लगा तो मैं डेली अपने पौधे को देखने आता था कि मेरा पौधा कितना बड़ा हुआ, जैसे कोई बच्चा नहीं पालता तो मेरे को एक उमंग होती थी कि मेरा पौधा जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, कितना बढ़ गया। तो एक इतना अच्छा काम किया इस एरिए के अंदर, इस इलाके में बहुत गंदा पार्क था ये, और आज इसके बराबर का मुझे नहीं लगता जमुना पार में कोई पार्क होगा। जी ये तो है सर, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। अभिषेक जी, जैसे कि हमने देखा यहाँ कावड़ यात्रा भी निकली, नवयुग
नवग्रह पार्क भी आपने दिखाया पूरे देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड वासियों को। अभी लास्ट में जितने पार्षद यहाँ पहुँचे, आपके बुलाए हुए अतिथि यहाँ पहुँचे, कई सारी एनजीओ यहाँ पहुँची, हमारे समझ चैनल पहुँचे, सभी के लिए लास्ट में किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप और कैसे इस वीडियो का समापन करेंगे? देखिए, कहते हैं कि अतिथि को बुलाना हमारे हाथ में होता है जी, और जाना भी हमारे हाथ में होता है, तो मैं किसी को जाने के लिए तो नहीं कह सकता हूँ। समापन नहीं करेंगे हम इस कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम की शुरुआत है और इस वीडियो की भी अभी शुरुआत है, क्योंकि जन जन तक पहुँचना है। पी न्यूज़ को नदीम भाई जो काम कर रहे हैं सराहनीय है, पर ये मैं बस यही कहूँगा अपनी बात को विराम करते हुए कि आप सब लोग प्रत्येक वर्ष अपनी पुण्यतिथि, अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि, अपने घर के बच्चों का जन्मदिन और अपनी वर्षगांठ पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देगा, हमें ऑक्सीजन देगा और हमें ऑक्सीजन देगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद अभिषेक जी। मेरे साथ में आप देख रहे हैं मातृशक्ति है, महिला शक्ति है हमारे साथ में, जो कि इस वृक्ष कांवड़ यात्रा में शामिल थी। बात करेंगे इनके, इनसे जानेंगे आज ये वृक्ष कांवड़ यात्रा करके इन्हें कैसा लगा, क्योंकि कुछ हमारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने कि बहुत सारी यात्राएं देखी, बट एक ये अलग हटके यात्रा है वृक्ष कांवड़ यात्रा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शालू है और मैं गंगा कांवड़ यात्रा में आई हूँ। पहली बार मैंने कांवड़ उठाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें और हमें ऐसे शामिल होते रहें। हमने देखा ज़्यादातर जल के लिए कांवड़ यात्रा होती है, बट ये पेड़ों के लिए कांवड़ यात्रा है, तो ये वृक्ष कांवड़ यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कि हमारी इस टाइम इतनी गर्मी हो गई है, वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको वृक्ष लगाने के लिए कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है, ये बताया जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाए, हमारी दिल्ली हरी भरी हो। दिल्ली क्या, पूरे विश्व में ये यात्रा चलनी चाहिए और पूरे विश्व में हरा भरा होना चाहिए। धन्यवाद माता जी, आप क्या मैसेज देंगी ये वृक्ष कांवड़ यात्रा, क्योंकि जल तो बहुत सारे लाभ हैं, ये जो पेड़ लगाने का कार्य इन्होंने जोड़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो ये कार्यक्रम पहली बार शुरू किया है इन्होंने और ये बहुत ही अच्छा है, और ये तो पूरे भारत में ही फैलना चाहिए, और दिल्ली में तो पोल्यूशन ही इतना है कि दिल्ली में तो जरूरी है, इस चीज़ की ज़्यादा ही आवश्यकता है। अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा, ये जो नवग्रह पार्क है, यहाँ पे एक्यूपंचर का भी है और इतनी सारी औषधियाँ लगी हुई हैं, यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और कांवड़ यात्रा में भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? बहुत अच्छा, मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कांवड़ उठा के। आपका नाम? मेरा नाम बबीता है। हम लोग कांवड़ ही उठाया और हम लोगों ने DVV स्कूल प्रांगण के अंदर पौधे लगा करके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो मुहिम चलाई गई है, ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए मैडम? बढ़नी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेना देवी। कैसा लगा आपको आज इस यात्रा में शामिल होकर? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? जसोदा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना गुप्ता है और इस कांवड़ यात्रा में मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब पौधे लगाने की जो मुहिम छेड़ी गई है इन्होंने, वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद। आपका नाम? सरोज भटनागर। कैसा लगा आपको? इस आत्मीय यात्रा में बहुत अच्छा लगा, पौधे लगने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए दिल्ली में, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आपका नाम? माता जी। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, हर जगह ऐसा होना चाहिए ताकि क्या है कि वृक्ष लगे और हमारे स्वास्थ्य के लाभ हो। जी साथियों, आपने देखा किस तरीके से हमारी माता बहनें भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं और बढ़ चढ़ के महिला शक्ति ने इसमें अपना साथ दिया और भरपूर जोश के साथ में ये लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। और भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे, गायत्री माता की जय। देखिए किस जोश के साथ में वृक्षों के लिए, जो कि आज के दौर में आप देख रहे हैं, मेरे को भी आप मेरी हालत देख रहे होंगे कितनी गर्मी हो रही है, सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में हम आपसे 10 या 15 साल 20 साल पहले पीछे जाए तो इस महीने में वर्षा के सिवा कुछ और होता नहीं था, बट आज के टाइम में वृक्षों की कमी हो गई, पेड़ लगने बंद कर दिए, पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने लगी, तो इस वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, वर्षा का होना बंद हो गया है, तो आप सभी लोग इस वृक्ष यात्रा से प्रेरणा लें और एक वृक्ष एक साल में अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे ज़रूर लगाएं और इस तरह की यात्राओं में शामिल ज़रूर हों। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।